वेलकम बैक टू माई चैनल। रमज़ान स्पेशल के लिए मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट, जो कि सबकी फेवरेट होती है, चटखारेदार होती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 टिन ले रही हूँ, बॉयल्ड चने हैं ये, पानी समेत लूँगी मैं, और इनको मैं नरम करने के लिए 2 उबाले दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यूब ले ली है ग्रीन चिली की, 2 क्यूब्स लूँगी। इसमें मैंने क्या बनाया है, ग्रीन चिलीज़ ली हैं, नमक लिया है और धनिया पुदीना लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद फ्रीज़ कर दिया। तो मेरे पास ये क्यूब्स की सूरत में है, तो यहाँ बहुत आसानी हो जाती है, तो मैं ये करती हूँ। 1 कप बॉयल्ड मैंने पोटैटो, और चने इतने नरम हैं कि इसको हाथ में लिया तो ये मैश्ड हो गए, तो इसको डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी इमली का पल्प 1 कप जितना, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून जितना, और यहाँ पर मैं चाट मसाला ले लूँगी 1/2 टेबल स्पून जितना। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो ग्रीन चिली के जो मैंने क्यूब्स डाले हैं, ये बहुत आसानी हो जाती है घर में बना के रखेंगे ना ये क्यूब्स की सूरत में, तो इससे होता ये है कि हमारे पास बनी बनाई जो है ना, हमें बस तैयार होती है, हमें बस रायते वगैरह में या चने वगैरह में डालने में आसानी हो जाती है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, सही गरम गरम होकर ना आलू और चने तो बहुत अच्छे तरीके से मैश और मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा बहुत मैश भी करूँगी इस चमचे की मदद से। उसके बाद मैं 1 मीडियम स्लाइस अनियन और हैंडफुल कोरिएंडर डालूँगी, और अब ये मिक्स कर लूँगी। ये जितना भी पल्प है ना इसका, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा प्याज में, चने में, आलू में, और ये बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये आप लोग खुश हो जाएंगे। और ऐसी रेसिपी है ये, मतलब ये इतनी फेवरेट है सबकी कि मज़ा आ जाता है इसको खाने में। तो अब मैं इसको सर्विंग के लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।